दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, बीजेपी को घेरने के लिए लोकसभा में नया नेता लाएगी कांग्रेस, राहुल गांधी का नाम सबसे आगे। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार और कई विपक्षी दलों के एकजुट होकर कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिशों के बीच पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है। विपक्ष को एकजुट रखने के लिए पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ को फिर से बेहतर बनाना चाहती है। कांग्रेस संसद के मानसून सत्र से पहले अपने संगठन में कई बड़े बदलाव करना चाहती है और इसी के तहत लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को इस पद से हटा सकती है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि लोकसभा में ये कमान कांग्रेस किसे देगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का नाम सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर सबसे आगे चल रहा है। खबर के मुताबिक दो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इसकी पुष्टि कर दी है कि विपक्ष के नेता के लिए पार्टी में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि इन नेताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इस मसले पर ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि बहरहाल HT को मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही ये चाहती हैं कि राहुल गांधी ये भूमिका स्वीकार कर लें और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसको लेकर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। यदि आप भी चाहते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मानसून सत्र में संसद के बाहर हर दिन होगा किसानों का हल्ला बोल, विपक्ष को देंगे चेतावनी पत्र। यहाँ आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोजाना करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सत्र शुरू होने के दो दिन पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम विपक्षी सांसदों से भी 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। हम उनसे कहेंगे कि संसद से बहिर्गमन कर केंद्र सरकार को लाभ ना पहुंचाएं। जब तक सरकार इस मुद्दे का समाधान नहीं करती है तब तक सत्र को नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि जब तक वे हमारी मांगे नहीं सुनेंगे हम संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान संगठन के 5 लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल और डीजल तथा LPG रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है। मोर्चा ने लोगों से राज्य के और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बाहर आने और अपने वाहन को वहां लगाने को कहा है। आपको बता दें कि फिलहाल इसके लिए 8 जुलाई को तगड़ा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। राज्यपाल ने कहा कि आपके पास जो भी वाहन है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, स्कूटर, बस, उसे निकटतम राज्य या फिर राष्ट्रीय मार्ग पर लगा दें और चक्का जाम कर दें, लेकिन ट्रैफिक जाम न लगाएं। किसान नेता ने लोगों से रात 12 बजे से लेकर 8 मिनट के लिए अपने वाहनों का हॉर्न बजाने की भी अपील की है। उन्होंने विरोध में LPG सिलेंडर लाने को भी कहा है। किसान नेता ने कहा कि मैं सभी महिलाओं से अपने गैस सिलेंडर को सड़कों पर लाने और विरोध का हिस्सा बनने का भी आह्वान करता हूं। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, शर्त के हिसाब से दोबारा बातचीत करने को तैयार। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है तो उसे शर्तें नहीं रखनी चाहिए। राकेश टिकैत की ये टिप्पणी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार इन कानूनों को नष्ट करने की मांग को छोड़कर अन्य मुद्दों पर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। राकेश टिकैत ने रोहतक में संवाददाताओं से कहा कि हमने पहले भी कहा है कि जब भी सरकार तैयार होगी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ये कहकर ऐसे सशर्त क्यों बना रहे हैं कि वे कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट के दबाव में आकर कह रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही केंद्र सरकार किसानों से बात कर ले लेकिन उन्हें कॉरपोरेट चला रहे हैं। किसान नेता ने इससे पहले रोहतक में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में आयोजित पिंक धरना को संबोधित किया था। जींद जिले में उचाना के पास किसानों की एक महापंचायत भी आयोजित की गई जिसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल
भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी शर्त पर कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। और बड़ी खबर, कैप्टन को नाराज और नवजोत सिंह सिद्धू को तरजीह देने पर उठ रहे सवाल, कांग्रेस के हाथों से फिसलता जा रहा पंजाब। यह आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेता दबी जबान में कहने लगे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की तो तस्वीर पलट सकती है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को अहमियत दे रहा है उससे चुने हुए मुख्यमंत्री की नाराजगी जायज है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पार्टी अध्यक्ष की तरफ से बनाई गई समिति के सामने बार बार पेश होना पड़ रहा है। वहीं एक विधायक की पार्टी नेतृत्व हर शर्त मान रहा है। उनका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक विधायक हैं, पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री से ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के बाद कैप्टन ने सख्त रुख अपनाया है। वह पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन है। पार्टी के ज्यादातर विधायक और पदाधिकारी उनके साथ हैं। आपको बता दें कि AICC की एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैप्टन के इनकार के बावजूद पार्टी सिद्धू को जिम्मेदारी सौंपती है तो उसे कैप्टन को गवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के अंदर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी इस तरीके का प्रयोग आखिर क्यों करना चाहती है, जबकि किसान आंदोलन और भाजपा अकाली का गठबंधन खत्म होने के बाद कांग्रेस की जीत की उम्मीद है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू पर दाव खेलने के बजाय कांग्रेस को कैप्टन को मजबूत करना चाहिए। इसमें कई बुराइयां नहीं हैं कि पार्टी मुख्यमंत्री को चुनावी वादों को पूरा करने और विधायकों से मिलने की हिदायत दे, पर चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री परेशान हो जाए। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब भी अब कांग्रेस के हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। और बड़ी खबर, पंजाब राजस्थान के बाद अब कर्नाटक कांग्रेस में बड़ी कलह। सिद्धारमैया और शिव कुमार के झगड़े ने बढ़ाई कांग्रेस की परेशानी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कुछ पुराने दिग्गजों ने पिछले कुछ समय से गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ राजस्थान और पंजाब में नेताओं की आपसी लड़ाई ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। और अब उधर कर्नाटक में भी पार्टी के दो दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य में पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष DK शिवकुमार। आपको बता दें कि कर्नाटक में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच में खींचतान शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी पार्टी में ऐसे नेताओं की वापसी नहीं होगी जो कांग्रेस को छोड़कर BJP में शामिल हो गए हैं, जबकि पिछले दिनों शिवकुमार ने ऐसे नेताओं की वापसी के संकेत दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा कि BJP में गए किसी भी नेता की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार से बात करूंगा। मैं अपनी बात कर कायम हूं। मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि BJP के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले 14 लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा, भले ही बाढ़ आ जाए या धरती गिर जाए। आपको बता दें कि फिलहाल DK शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में तगड़ी राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि पिछले दिनों DK शिवकुमार ने कहा था कि धोखा देना और राजनीतिक दलों को बदलना राजनीति में एक सामान्य घटना है। उन्होंने कहा था न सिर्फ DK शिवकुमार या कांग्रेस, हर पार्टी के पास ऐसी घटनाओं के उदाहरण हैं। प्रताप गौड़ा पाटिल को हम BJP से लाए थे, इसलिए किसी अन्य राजनीतिक दल में जाना और राजनीति में लौटना आम बात है। कांग्रेस सदस्यता के लिए मिलने वाले किसी भी आवेदन पर पार्टी विचार करेगी और पार्टी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब राजस्थान के बाद अब कर्नाटक में भी कलह शुरू हो गई है। और बड़ी खबर, आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी। ये आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी आज शाम तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारों में इसकी खासी चर्चा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बयान जारी कर कहा कि आज शाम को तृणमूल भवन में एक जानी मानी राजनीतिक हस्ती TMC में शामिल होगी। हालांकि TMC के बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि पार्टी में कौन शामिल होगा, लेकिन सियासी गलियारों में चल रही चर्चा में अभिजीत मुखर्जी का नाम सामने आ रहा है। TMC ने अपने बयान में कहा कि पार्टी के कार्यक्रम में TMC के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और पश्चिम बंगाल TMC के महासचिव पार्थ चटर्जी मौजूद रहेंगे। अभिजीत मुखर्जी मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आपको बता दें कि आज प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी TMC में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द आ सकता है नया कानून। 150 मुस्लिम हस्तियों के
साथ हुआ महामंथन। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 150 से अधिक मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात की और कहा कि वे सभी इस बात पर सहमत थे कि जनसंख्या वृद्धि राज्य के विकास के लिए बड़ा खतरा है। शर्मा ने बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित उपाय सुझाने के लिए 8 उपसमूह बनाए जाएंगे जिनमें सदस्य के रूप में राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आज मैंने 150 से अधिक बुद्धिजीवियों, लेखकों, डॉक्टरों, कलाकारों, इतिहासकारों और प्रोफेसरों तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। हमने असम के अल्पसंख्यक लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल हुए सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि असम के कुछ हिस्सों में जनसंख्या विस्फोट राज्य के विकास के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। आपको बता दें कि हिमंत बिस्व शर्मा ने 2 बच्चों की नीति लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जल्दी ही हिमंत बिस्व शर्मा 2 बच्चों की नीति लागू कर सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर नया कानून बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।